अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू ग्लोब ट्रॉटर्स। सबसे पहले अगर अभी तक आपने हमारा पेज सब्सक्राइब नहीं किया तो बेल आइकन का बटन दबाएं और मज़ीद इसको लाइक और शेयर करें। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इस वीलॉग में मैं आपको ये बताऊंगा कि फ्लड्स को कैसे रोका जा सकता है। फ्लड्स को रोकने के दो आसान तरीन तरीके जो कि पाकिस्तान में अप्लाई हो सकते हैं वो है डैम्स और बैराजेस की तामीरात करना। कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम्स एंड बैराजेस कैन स्टॉप फ्लडिंग। सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि डैम और बैराज में फ़र्क क्या होता है। डैम एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है, ऐसी तामीर होती है जो वाटर रिजर्वायर या वाटर स्टोर कर सकता है। वो एक हाइट, उसके लिए एक हाइट अटेन करनी होती है और वो एज अ रिजर्वायर और एज अ वाटर स्टोरेज टैंक यूज़ हो सकता है और फिर अपनी मर्ज़ी से आप उसका पानी बहा सकते हैं जिससे आप बिजली बना सकते हैं और फ्लड को रोक सकते हैं। जबकि बैराज एक इस तरह का स्ट्रक्चर होता है, इस तरह की तामीर होती है जो कि वाटर को डाइवर्ट या कंट्रोल कर सकता है, जो कि वाटर वेज, जिसके अंदर मुख्तलिफ वाटर वेज होते हैं जो कि वाटर को कंट्रोल या डाइवर्ट कर सकते हैं। बैराज कभी भी वाटर स्टोर नहीं कर सकता, एज अ वाटर रिजर्वायर नहीं बनाया जा सकता। तो इसलिए फ्लड को रोकने के लिए पाकिस्तान में ज़्यादा से ज़्यादा डैम और बैराजेस बनने चाहिए। अब विकिपीडिया और इंटरनेट के मुस्तनद सोर्सेस के मुताबिक पाकिस्तान में बड़े डैम्स की तादाद है 73। ये लिस्ट जो है ये वेरीफाई होती है, आपकी एक इंटरनेशनल कमीशन है जो कि इंटरनेशनल कमीशन ऑन लार्ज डैम्स कहलाता है, ये उसकी कैलकुलेशन है। तो पाकिस्तान में बेसिकली 73 बड़े डैम हैं। अगर हम अपने मुल्क को देखें और उस मुल्क में फ्लडिंग और बारिश के सीज़न को देखें और हम मानसून के सीज़न को देखें तो कम अज़ कम पाकिस्तान में 750 डैम्स होने चाहिए, लेकिन छोटे बड़े डैम मिला के कुल मिला के पाकिस्तान में 150 यानी कि 150 डैम्स हैं जिनमें से 73 बड़े डैम हैं। लेकिन पाकिस्तान की कैपेसिटी के मुताबिक इधर 750 डैम्स होने चाहिए। अब अदद शुमार के मुताबिक एक साइट है जिसको मैं कोट करूंगा, जिसका नाम है numerical.co.in। ये बेसिकली नंबर्स या स्टैट फिगर्स के देने में एक बड़ी ऑथेंटिक साइट है दुनिया में। इसके मुताबिक चाइना में लगभग 23,841 डैम्स हैं, यूएसए अमेरिका में तकरीबन 9,263 डैम्स हैं, इंडिया जो कि हमारा पड़ोसी मुल्क है इसमें 4,407 डैम्स हैं, जापान जो कि आपने मुल्क देखा है कितना छोटा है और उसकी पॉपुलेशन कितनी है, उसमें 3,130 डैम्स हैं, ब्राज़ील 1,300 डैम्स, साउथ कोरिया 1,300 डैम्स, कनाडा 1,100 डैम्स, मेक्सिको 1,100 डैम्स, स्पेन 1,000 डैम्स, तुर्की जो कि हमारा दोस्त मुल्क भी है 965 डैम्स, फ्रांस 720 डैम्स, ईरान जो कि हमारे वेस्ट बैंक पे लगता है उसमें 594 डैम्स हैं और पाकिस्तान में 150, ऑस्ट्रेलिया 567 और पाकिस्तान जैसे मुल्क में 150 डैम्स हैं, और जिम्बाब्वे जहाँ पे 256 डैम्स हैं। लगभग अदाद व शुमार के मुताबिक बांग्लादेश में भी कम से कम 300 से ज़्यादा डैम्स हैं जो उन्होंने रिसेंटली बनाए हैं। तो हमें अपने हालात देखने की ज़रूरत है और हमें अपने डैम्स पे और बैराजेस पे काम करने की ज़रूरत है। ये वो अहम वक्त है जब हमें एज़ अ कौम ये सोचना है कि पाकिस्तान में कब हम डैम के प्रोजेक्ट शुरू करेंगे और कब ख़त्म करेंगे ताकि हम आने वाले वक्तों में अपनी नस्ल को सैलाब से बचा सकें और हमारे मुल्क में पानी की कमी ना हो। अब तक के लिए इतना ही, खुदा हाफिज़। अगले वीलॉग में मिलते हैं जहां मैं आपको बताऊंगा कि कालाबाग डैम जो कि एक बहुत मुतनाज़े टॉपिक है
उसकी डिटेल्स क्या हैं और वो कैसे कैसे सैलाब को रोक सकता है। शुक्रिया।